बेटा? तनीषा। क्या? स्वाति। स्वाति, स्वाति आप यहाँ क्यों आई हो? आज हम यहाँ सब भगवान बुद्ध की 2562वीं जयंती को देखने के लिए आए। हम यहाँ 3 साल से हर बार जब मैं छोटी सी थी तब से मेरे सर, मेरे पापा, हमारे घर में सब लोग एकदम बौद्ध धर्म अपना चुके हैं और सभी लोग मानते हैं। और हम जब से मैं जानती हूँ मुझे ये धर्म बहुत अच्छा लगा, बहुत पढ़ के मैंने पढ़ा है, सर ने बताया, सबको समानता का अधिकार मिला है। हम सब इसे देखने के लिए यहाँ पर जयंती मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, हर प्रोग्राम में जाते हैं। मतलब ये धर्म के बारे में आपको किसने बताया? मेरे धर्म के बारे में मेरे सर ने, मेरे पापा, हमारे घर में बताते हैं बड़े, सब सब बता दें। मम्मी पापा बहुत धर्म ने अपना रखा है? हाँ, सभी ने अपनाया हुआ है हमारे घर में। तो जब दिवाली आती है, दिवाली के दिन क्या मम्मी पापा क्या करते हैं? पूजा करते हैं या नहीं करते? बुद्ध को मानते हैं? दिवाली की उसमें पूजा नहीं करते, जैसे बहुत जो ब्राह्मण लोग हैं वो लक्ष्मी की, गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं करते। मम्मी तो व्रत रखती है? मेरी मम्मी कभी कोई व्रत नहीं रखती। मम्मी व्रत नहीं रखती? नहीं रखती, हमारे घर में कोई नहीं रखता। एक फोटो तक भी नहीं मिलेगी, कैसी भी कोई कार्ड भी होगा उसे भी फेंक देते हैं। उसकी सिर्फ डिटेल रखते हैं कि हाँ कहाँ शादी है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मतलब आप लोग सभी बहुत धर्म को सभी लोग मानते हैं और मम्मी पापा का भी यही है कि पूरे परिवार के अंदर बहुत धर्म को अपनाते हैं। और मम्मी पापा ने बताया और सर ने बताया, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक पढ़ें, और जो अधिक पढ़ेंगे तो उनका मार्गदर्शन अपने आप खुलेगा। जैसे अभी आपके सर ने बताया कि अपना दीपक खुद बनो, दूसरे पे इंतजार मत करो, ऐसा ही है? यस, ऐसा ही है।